अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरी आयत फातिमा देखो माशाल्लाह अभी नींद से उठी है, और मेरी आयत फातिमा जो है और अभी तक कभी इसकी तबीयत सही होती है, कभी इसकी तबीयत सही नहीं है। ये देखो इसकी जो ये ज़बान है, और ये जो देखो ना चेहरा देखो इसका कितना मासूम है। और मैं आयत के लिए बहुत परेशान हूँ, और इतना परेशान हूँ। और ये मेरी अरीबा जो बैठी हुई है, मामद अली बैठा हुआ है, और एक रूम में खेल रहे हैं। तो आयत फातिमा को फिर हॉस्पिटल लेके जाऊंगा कल नहीं परसों। डॉक्टर ने बोला था दस दिन के बाद लेके आना, पर उसका 10 दिन का टाइम गुजर गया है, आज 12-13 दिन हो गए। परसों इसको लेके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो आयत फातिमा को दुआ करो जितना हो सके मेरी आयत फातिमा सही हो जाए जल्दी में, अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। और दूसरी बात, मैं बेरोज़गार भी हूँ, कोशिश जो है बहुत जॉब में की है, काफ़ी मरतबा जॉब मिली है, पर ऐसी जगह भी मिलती है जहाँ तनख्वाह का मसला होता है या छुट्टी नहीं होती है, तो मेरे बच्चे जो हैं ये मासूम अकेले रह जाते हैं। मैं दूर चला जाता हूँ तो मेरे बच्चे अकेले होते हैं, तो इनका घर का काम काज जो है मेरे बच्चों का या मैं अपने घर का, और तो बंदा कोई नहीं है, या कोई भाई वगैरह है वो अलग है, मेरा काम कोई नहीं कर सकता। और मैं किसी को फ़ोन भी यहाँ नहीं करता हूँ तो मेरे घर का काम करो, क्योंकि वो मुझे मेरे बच्चे अकेले हो जाते हैं, इनको मज़ा नहीं आता है, वो फिर मुझे बच्चे खुद बोलते हैं तो अब वापस आओ। जब ऑयल गैस कंपनी में चला गया था तब भी इनके लिए मैं वापस आया, और उसके बाद ऑयल गैस कंपनी के भी पहले मुझे और जॉब मिली थी, वहाँ पे जॉब छोड़ के आया, ऑयल गैस कंपनी में भी जॉब की, उन बच्चों के लिए छोड़ के आया। तो अभी आयत फातिमा तो अभी आई है, तो इसको दुआ करो जितना हो सके मेरी आयत फातिमा सही हो जाए जल्दी, अल्लाह पाक इनको सेहत दे और हिफाजत में रखे। मैं इसके लिए इतना परेशान हूँ, और बस ये भी दुआ करो जितना हो सके मुझे जॉब भी मिल जाए, रोज़गार से भी लग जाऊँ, तो बेरोज़गारी भी बहुत ख़राब है, बेरोज़गारी में वक्त नहीं गुजरता है मेरा, बेरोज़गारी में हालात ख़राब हो जाते हैं, कोई किसी का नहीं है। मैं तो काफ़ी दोस्तों को काम आया किसी टाइम पे, अभी वो दोस्त मुझे काम नहीं आ रहे। तो फ्रेंड प्लीज़ आप मुझे दुआ भी करें, मेरे बच्चों को भी दुआ करें, और मुझे रोज़गार भी मिल जाए। मेरी आयत फातिमा जो आई है ये दूध पीती है, दूध जो है 2-2 दिन में लेता हूँ, आज लेके आया दूध, परसों लेके आया था, ख़त्म हो गया वरी सिर्फ आज, वरी ये डबी पड़ी है दूध की, देखो इसमें वाइफ जो है डालती है दूध डबी में पॉकेट से निकाल के, और ये 2 दिन चलता है, आज इसमें डाला ना, कल शाम तक ये ख़त्म हो जाएगा। बस अल्लाह इसको देता है आयत फातिमा को, अल्लाह पाक है वही देता है, मेरा तो हाल नहीं है, तो घर वाले लेके देते हैं, अम्मी भी लेके देती है, सिस्टर भी लेके देती है, बाकी मैं तो बेरोज़गार हूँ। मुझे जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, अल्लाह पाक आपको खुश करेगा, आबाद करेगा। परेशानी बहुत है और काफ़ी परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक ख़त्म करेगा, और जो है मौसम भी अच्छा हो गया है, तो अभी एसी नहीं चलाता हूँ, एयर कंडीशन। और मेरी आयत फातिमा देखो माशाल्लाह मुझे देख रही है, और आयत फातिमा जो है प्यारी है बहुत, तो जितना हो सके हमें सपोर्ट भी करो, और आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। माशाल्लाह मेरे जो ये अरीबा मामद अली सामने बैठे हुए हैं, सो अरीबा जो है कॉपी उठा के पढ़ रही है, और मामद अली पता नहीं है क्या खा रहा है। तो बच्चों को दुआ करो मेरे बच्चों को, तो मेरे बच्चे, मेरा बेटा वो बड़ा हो जाए जल्दी, मैं ज़िम्मेदारी उठाए अपने घर की, तो बाहर भी जॉब मिलती है निकल जाऊं, जो रोज़गार करना है रोज़गार के अलावा तो कुछ भी नहीं है।
घर माशाल्लाह हमारा अच्छा है, बाकी मुझे रोज़गार नहीं है। रोज़गार भी मिल जाए तो अल्लाह पाक आपको खुश करेगा। ये भी भेज दिया घर पर, अभी नहीं भेज रहे। वालदा जो है मेरी, ये घर वो उठा रही है, मुझे पैसे देगी, मैं आगे चला जाऊंगा किसी और शहर में, पता नहीं है किस शहर में जाता हूँ। नसीब जहाँ होगा, जहाँ लिखा होगा उधर चले जाएंगे। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको खुश करेगा, आबाद करेगा।